एवरीवन, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन को लेकर। एंड जब हम मॉक्स दे रहे हैं तो हम किस वे में पेपर को अटेम्प्ट करें मॉक्स के टाइम, कि हमको समझ आ जाए कि हमें जब हम मेंस का पेपर देंगे आरआरबी पीओ का, तो हमें किस वे में अप्रोच करना है पेपर को। एंड मुझे लगता है आरआरबी पीओ मेंस में प्रिपरेशन के साथ साथ कैसे आप पेपर को अप्रोच कर रहे हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो कई बार आपको आता सब कुछ होगा बट एक सिली मिस्टेक की वजह से आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। सो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये चीज पहले समझ लें कि कैसे अप्रोच करना है, ताकि आप यहाँ मॉक्स में उस वे से प्रैक्टिस कर पाए। तो मैं इसको पूरा डिटेल में बताती हूँ। सो मैंने 2019 एंड 2020 दोनों में आरआरबी पीओ के मेन्स दिए हैं। एंड 2019 में मैंने आरआरबी पीओ का मेन्स क्लियर किया है, बल्कि 2020 में मैं आरआरबी पीओ मेन्स क्लियर नहीं कर पाई थी। एंड 2019 में मैं इतना मेन्स के लिए प्रिपेयर भी नहीं थी, मेरा प्री में ज्यादा फोकस था, बट स्टिल मैं आरआरबी पीओ मेन्स क्लियर कर पाई थी। एंड 2020 में जहां मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी हर चीज को लेकर, एंड जहां मैंने आईबीपीएस पीओ जैसे मेन्स भी क्लियर करे, बट मैंने आरआरबी पीओ का मेन्स नहीं क्लियर कर पाई जस्ट अपनी एक मिस्टेक की वजह से। बल्कि जब मैंने 2019 में क्लियर किया था तो कहीं ना कहीं मेरा फोकस था कि शायद मैं 2020 में क्लियर कर लूं, और मुझे पता था कि पेपर कैसा आता है सब था, बट फिर भी मेरी एक जो सिली मिस्टेक थी वहां पे जो मैंने करी उसकी वजह से मेरा ओवरऑल सिलेक्शन रुक गया। सो सबसे पहले बात करते हैं 2019 की। 2019 में 2020 के कंपैरेटिवली कट ऑफ भी ज्यादा थी, एंड अराउंड 17 मार्क्स ऊपर थी कट ऑफ। एंड इसके दो रीजन थे, एक ये था कि वैकेंसी भी कम थी 2019 में, 2020 में कंपैरेटिवली काफी वैकेंसी आई थी। एंड 2019 में जो आपका जीए का सेक्शन था वो एक डिसेंट था, बल्कि 2020 में जीए का सेक्शन सडनली ऐसा आया कि काफी टफ था, सभी को दिक्कत आई। जहां पे जीए के सेक्शन में 2019 में सिर्फ 10 कट ऑफ गई थी मतलब, और वहीं पे 2020 में सिर्फ 4.75 कट ऑफ गई, वो भी पीओ के पेपर में सेक्शनल कट ऑफ जो आपको क्लियर करनी होती है। सो एक रीजन ये था। बाकी मैंने जो मेरा 2019 में स्कोर था वो था मेरा 102.88, जो कि कट ऑफ 87.81 थी, तो मेरा अराउंड 13 मार्क्स अबव थे। सो मैंने इंटरव्यू के लिए मैं 2019 में अप्रोच किया था। एंड 2020 में मेरे से जो मिस्टेक हुई, बल्कि मैं मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, मैंने अपने हर एक सेक्शन पे वर्क किया था। सो जो 2020 में मैंने मिस्टेक करी, मेरा ओवरऑल पूरा पेपर क्लियर था, ओवरऑल मेरे कट ऑफ से अराउंड 13-14 मार्क्स अबव थे। मैं अपना स्कोर कार्ड पूरा 2019 का मेन्स का एंड जो मेरा फाइनल इंटरव्यू का स्कोर कार्ड रहा था जितने मार्क्स से भी रुका था, बाकी मेरा जो ये 2020 का मेंस का स्कोर कार्ड था पूरा शेयर कर दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैंने क्या मिस्टेक करी थी जो आप नहीं कर सकते हैं, फिर हम पूरा सेक्शनल वाइज बात कर लेंगे टॉपिक की हर एक सब्जेक्ट पर। सो जो मैंने मिस्टेक करी थी 2020 में, मैंने जो गलती करी वो ये थी कि मैंने पेपर को एक्चुअल में कैसे अप्रोच करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा था, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी पेपर में जाने से पहले, जैसे कि हम सब देखते हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर विद सेक्शन, क्योंकि इसमें सेक्शनल तो होता नहीं है टाइमिंग, तो कौन सा सेक्शन पहले अप्रोच करना चाहिए। तो मैंने जो वीडियो देखी उससे मैंने ये एनालाइज करा अपने लिए कि मेरे को जो मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको लास्ट में करना चाहिए और बाकी जो सब्जेक्ट है वो पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब मैंने 2019 में दिया था मेरा ओवरऑल चाहे 13 मार्क्स से ऊपर था, पर मेरे क्वांट सेक्शन में काफी कम मार्क्स थे, सिर्फ 7 मार्क्स आए थे मेरे 40 में से, बट स्टिल मेरा ओवरऑल क्लियर हो चुका था और सेक्शनल भी क्लियर थी। सो मुझे लगा कि इस बार मुझे और अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि मुझे इंटरव्यू में दिक्कत ना आए। सो मैंने अपने और सेक्शन को पहले अप्रोच किया एंड रीजनिंग सेक्शन में मैं लास्ट में आई, तो बहुत कम टाइम बचा था जब मैं रीजनिंग सेक्शन में आई, बट उससे भी ज्यादा शायद कट ऑफ तो मेरा सेक्शनल रुक गया रीजनिंग में, जहां पे मेरे 2019 में रीजनिंग में 40 में से 31.50 मार्क्स आए थे, वहां पे मेरे रीजनिंग में सेक्शनल नहीं क्लियर हो पाया 2020 में। सो यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मुझे ये समझ नहीं आया कि पेपर को कैसे अप्रोच करें, मैंने रीजनिंग लास्ट में करी एंड ऐसा नहीं था कि जितना मैंने टाइम दिया उसमें नहीं हो सकती थी, एटलीस्ट मेरी सेक्शनल क्लियर हो सकती थी, बट मैंने जो मिस्टेक करी, एक तो मैं कहीं एक पजल में अटक गई, जब आप लास्ट में करते हैं तो रीजनिंग में ऐसा कभी हो सकता है कि आप अटक जाएं, बल्कि मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया उसको, जब मैं अटकी भी तो मैंने शायद 2-3 मिनट्स के बाद जब मुझे लगा मैं अटक रही हूं तो मैंने स्विच करा, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं लास्ट में आई थी कि मैं कुछ और ज्यादा कर पाऊं। सो मेरा ओवरऑल टाइम ओवर हो चुका था एंड मुझे कहीं ना कहीं पेपर के बाद ही रियलाइज हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बट थोड़ी सी होप थी क्या पता कम चले जाए सेक्शनल कट ऑफ, बट सबसे ज्यादा कट ऑफ सेक्शनल की रीजनिंग में ही जाती है। सो मैं यही कहूंगी जब आप पेपर दे रहे हैं
तो रीजनिंग सेक्शन मेरे सजेशन के हिसाब से कभी लास्ट में ना करें, क्योंकि आप कभी भी आरआरबी में आप सेक्शनल कट ऑफ देखिए तो रीजनिंग की चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो, सेक्शनल कट ऑफ हमेशा रीजनिंग की ज्यादा जाती है। तो जिसकी ज्यादा जाती है उसे लास्ट में करना, और सेक्शनली क्लियर नहीं हो पाई ओवरऑल क्लियर हो गई तो कोई फायदा नहीं है। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्लस मैंने जो गलती करी थी, मैंने वीडियोज देखी थी, जैसे कि हम सब देखते हैं कि क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए। सो मैंने पेपर से सिर्फ 2-3 दिन पहले ये वीडियोज देखी थी, और जो मैंने देखा बाकी मैं जो प्रैक्टिस करती थी वो अलग वे में करती थी, एंड मैंने पेपर में एकदम सडन दूसरी अप्रोच लगा दी वीडियोस देख के। मुझे लगा हो जाएगा, रीजनिंग तो स्ट्रांग सब्जेक्ट है। मैंने जो वहां वीडियो में अप्रोच देखी उसे एक बार अप्लाई करके नहीं देखा क्या ये मेरे से हो पा रहा है, और ये पॉसिबिलिटी नहीं रखी कि क्या पता यहां मेरे से रीजनिंग सारी बन भी जा रही है तो वहां मैं अटक भी सकती हूँ। रीजनिंग में पजल्स में कई बार होता है कि आप अटक जाते हैं, मैंने ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं रखी। एंड पेपर में फिर मैं सीधे आई तो वहां पे वो हो गया, और जब आपके सामने चल रहा होता है ब्लैंक भी हो जाते हैं जब आपके सामने आप पेपर दे रहे होते हैं। सो मेरी ये मिस्टेक्स थी, बाकी आप ये मिस्टेक्स मत करिएगा। सबसे पहले मॉक्स पे बात कर लेती तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं जब आप मॉक्स दे रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी यही आपको सजेशन रहेगा, रीजनिंग सेक्शन या तो आप पहले करके थोड़ा सा जितना भी है निपटा लीजिए, या फिर बीच में ले आइए, लास्ट में मत लाइए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो अगर सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा जाती है तो अगर आप रीजनिंग लास्ट में लाएंगे तो, और उसमें अगर आपका छूट भी जाता है तो सबसे ज्यादा चांसेस है सेक्शनल में रुकने के। सो ये मिस्टेक मत करिए। प्लस वही चीज है जो मैं अप्रोच बता रही हूँ, सीधे मत जाइए उस पर। पहले आप जब मॉक देते हैं, जब भी आप आरआरबी पीओ का मॉक देंगे मेंस का, सो आपको क्या करना है कि जो भी आप मेंस का मॉक देंगे आप एक बार अलग अलग सब्जेक्ट को पहले रखे देखिए। कभी रीजनिंग पहले कर लीजिए, कभी क्वांट सेक्शन पहले कर लीजिए, थोड़ा स्विच करके ऐसे करके आप 3 से 4 बार मॉक्स दीजिए स्टार्टिंग में, एंड पता करिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स में डिफरेंस देखिए कि सबसे ज्यादा किसमें आपको कंफर्टेबल हो रहा है, किसमें आप कर पा रहे हैं वो ट्राई करिए। प्लस पिछली बार की सेक्शनल कट ऑफ भी देख लीजिए कि किसमें कम जाती है किसमें ज्यादा जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार सेम ही रहे, जैसे पिछली बार जीए एकदम से इतनी टफ आ गई थी, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहे। सो ये भी देखिएगा कि कुछ भी हो सकता है पेपर में, क्या पता वो इस बार क्वांट टफ दे दे, पिछली बार जीए टफ दी थी, तो कुछ भी हो सकता है। तो सब चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। प्लस जब आप प्रिपेयर भी रह रहे थे तो सबके लिए हो रहा है, तो कट ऑफ ओवरऑल कम भी हो जाती है। बाकी इस वे से अगर आप मॉक को अप्रोच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पेपर कौन सा पहले नहीं करना है। बट मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा आप सबको कि रीजनिंग सेक्शन लास्ट में मत उठाइएगा, क्योंकि पजल में अटकने के चांसेस होते हैं। एक बार के लिए अगर आप कोई और सेक्शन उठाते हैं, सपोज आप जीए उठा लेते हैं या कंप्यूटर उठा लेते हैं, वो भी थोड़ा टाइम रखिएगा, ऐसा ना हो कि सेक्शनल रुक जाए, तो अटकने के चांसेस नहीं होते हैं। नहीं आया तो नहीं आया, आप सीधे आगे जाएंगे। बट अगर आप रीजनिंग में पजल में अटक गए तो आपको दिक्कत होती है। बट क्वांट में कट ऑफ कम जाती है सेक्शन, तो अगर आप कर रहे हैं नहीं हुआ तो, जैसे डीआई का सपोज आपसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो हो सकता है आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाए, जरूरी नहीं अगर एक नहीं हुआ। बट पजल में ये अगर पजल ही नहीं बनी तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते, 5 के 5 क्वेश्चन आपके ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो चले जाए या फिर गलत हो जाए। तो इसलिए मेरा ये पर्सनल सजेशन है। बाकी मैं वही कहूंगी कि मॉक के साथ पहले अप्रोच करके देखिएगा, उसी के बाद आप ये सब चीज करिएगा। बाकी अब थोड़ा सा सेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं। उससे पहले कंप्यूटर सेक्शन जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के रिजल्ट का, प्री के रिजल्ट का, वेट मत करिए कि उसके बाद प्रिपेयर करेंगे, अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जल्दी याद भी रहता है, रिकॉल भी रहती है चीजें, और आपके लिए इजी होगा। बाद में एकदम से बर्डन आ जाता है जीए ये सब इतनी सारी चीजें पढ़ने हो जाती है। मैंने कंप्यूटर सेक्शन पे पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा अगर जिसने नहीं देखी है। और उसमें मैंने डिटेल में बताया कौन सी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको वीडियो देखनी है तो फ्री वीडियो कौन सी है, मैंने ये भी बताया आप कौन से टीचर से पढ़ सकते हैं, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। सो आप वो कर सकते हैं। बाकी उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है कि हम जीए कैसे कवर करें। मैंने अभी ही इससे पहले वाली वीडियो यही है, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आप कैसे कवर कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लस मैंने जो जनरल अवेयरनेस पहले से कैसे प्रिपेयर की थी उसकी वीडियो भी मैंने पहले बनाई थी, उसका लिंक भी डाल दूंगी। तो आप दोनों में से आपको जो भी देखनी है आप वो देख लीजिएगा। बट अगर आप प्री के बाद प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ वाली देखिएगा, उसमें कैसे आप कवर कर सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं कवर करी है, तो मैं उसका भी डाल दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो वो दोनों तो आप वैसे कवर कर लीजिएगा। बाकी अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन को कि कैसे प्रिपेयर करें। सो क्वांट सेक्शन में आपको क्या करना है कि अब आपको डीआई जो थोड़ी सी हाई लेवल है उस पर तो जाना ही जाना है, तो अब थोड़ी सी हाई लेवल डीआई कर दीजिए। थोड़ा सा अर्थमेटिक में अगर आप प्री दे के आए हैं तो मैं ये एज्यूम कर रही हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अर्थमेटिक में। अगर नहीं है तो कोशिश करिए, अभी भी रिजल्ट नहीं आया है कि क्लियर करिए, क्योंकि अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के लिए।
सो अर्थमेटिक के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली परसेंटेज रेशियो टॉपिक, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको क्लियर करके ही चलने हैं ये वाले टॉपिक, हम क्लियर करके चलिए, स्पेशली क्योंकि इनके बेस डीआईवी आ जाती है, प्लस मेंस में कई बार आपको अर्थमेटिक बेस्ड डीआईवी देखने को मिल जाती है, तो आप डीआई करिए, प्लस थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज किसी एक टॉपिक पे जरूर मिल जाएंगे मेंस में भी। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होंगे, शायद 5 क्वेश्चन ही हो, बट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसके भी टच में रहिएगा, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल छोड़ दीजिए। सो इस वजह से प्रिपेयर कीजिए। बाकी जब आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो अर्थमेटिक आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे, प्लस या तो आप किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि एस क्वांट का आप लेवल 2 कर लीजिए, इनफ है, क्योंकि लेवल 3 काफी टफ है और अभी आपके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। सो अगर आप लेवल 2 भी कर लेते हैं बस एस क्वांट का विद कॉन्सेप्ट के साथ, काफी इनफ हो जाता है। सो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी वीडियो या किसी भी पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इतना अगर आप क्वाड में करेंगे इनफ हो जाएगा मेंस के लिए। देन हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के लिए। रीजनिंग के लिए पजल लगाइए, जितनी ज्यादा पजल लगा सकते हैं, क्योंकि पजल्स आती हैं, काफी आती हैं। सो आरआरबी पीओ में एक चीज है कि आपका लेवल बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आता है एंड ना इजी रहता है, आपका पेपर मॉडरेट लेवल पे रहता है, बट हमें रेडी रहना है हर पेपर के लिए, कब कौन सा सेक्शन वो टफ दे दे हमें नहीं पता है। सो आप रीजनिंग में पजल जरूर लगाइए, प्लस न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हो गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, इन टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। आपसे अगर कुछ भी नहीं होता, अगर आप डेली की 1-2 मेंस लेवल पजल भी लगाते हैं, इनफ है, कंसिस्टेंसी से डेली लगाइए, काफी है, बट उसके साथ साथ थोड़े से और टाइप के क्वेश्चन भी करते रहिए, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। एंड मैं जानती हूँ जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जीए को ही ज्यादा टाइम देते हैं और सब्जेक्ट को नहीं, बट ट्राई करिएगा अगर 1-2 क्वेश्चन पजल के कर ले, क्योंकि डीआईबी करनी है, सेम अगर आप 1-2 डीआईबी कर लें डेली की मेंस लेवल की, इतना भी अगर आप करते हैं डेली विद अर्थमेटिक थोड़ा वहां पे और यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन जो ये ब्लड रिलेशन हो गया, एक दिन आप एक टॉपिक उठा लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो, क्योंकि आरएलबी पीओ मेंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है कंपेरेटिवली और पेपर से आईबीपीएस और एसबीआई के कंपेरिजन में। सो इजिली आपका हो जाएगा। आप रीजनिंग में इतना करिए मेंस लेवल का, आपके लिए इनफ है एंड पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस में अगर आप के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम होती है और आपके पास पेपर ज्यादा होता है एंड आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी पड़ती है, प्लस पेपर अप्रोच कैसे करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसलिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगाइए, कभी कभी टफ भी लगा लीजिए, क्योंकि वही मैंने बोला कि कौन सा सेक्शन कब टफ आ जाए। देन हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन को लेकर। तो इंग्लिश सेक्शन में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं वो लगा सकते हैं, प्लस कभी कभार आप क्यूज दे दीजिए टॉपिक वाइज, ऐसे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो आप जैसे अड्डा में आपको फ्री क्यूज मिल जाती है तो उसके आप टॉपिक वाइज क्यूज लगा लीजिए, तो आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी पूरे होते जाएंगे, प्लस जब आप मॉक्स लगाएंगे तब वहां तो आप क्वेश्चन कर ही रहे हैं, ये भी हो जाएगा। एडिटोरियल रीडिंग कर लीजिए, 1 या 2 एडिटोरियल भी डेली रीड करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, इनफ हो जाता है। आरसी कर लीजिए, जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना बेनिफिट होगा पेपर में। इंग्लिश में इतना करेंगे इनफ है एंड वोकैबुलरी जितनी कर रखी है उतनी ही रिवाइज करती रहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप रीडिंग से भी अगर समझ जाते हैं तब भी आपका इनफ हो जाता है। सो इंग्लिश में इतना करेंगे तो आपका हो जाएगा। बाकी जीए एंड कंप्यूटर का मैं लिंक जो भी मैंने वीडियो बनाई है उसका डाल दूंगी एंड बाकी मॉक्स देते रहिएगा। आरआरबी में मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देने का, क्योंकि मैंने सेम बोला सेक्शनल ना टाइमिंग होता है एंड सेक्शनल कट ऑफ क्लियर भी करना जरूरी हो जाता है, वरना जैसे मेरे साथ हुआ कि ओवरऑल तो क्लियर हो गई थी बट सेक्शनली रुक गई, वो भी ऐसे सब्जेक्ट में जहां पे मेरे पिछली बार उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे और के कंपेरेटिवली। सो ऐसी मिस्टेक्स मत करिएगा, बेटर है कि आप किसी और की मिस्टेक से सीख लें ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि जब पेपर से बाहर आते हैं तो बस एक रिग्रेट रह जाता है और हम किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनता, उस समय लगता है कि हम बस एक्सक्यूज दे रहे हैं, बट जिसके साथ वो होता है वो वही समझ सकता है। सो बेटर है आप ये मिस्टेक ना करें। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी एंड अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं पूरे रिप्लाई करूं उनके। बाकी चिल देन बाय।